आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोवल को जिसका नाम है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, जिसको थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दो ठो वेमेन का जो कैरेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे वेमेन्स का कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर भी है, बट इस वीडियो में हम लोग जो स्पेशलिस्ट सिर्फ वेमेन कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर इस नोवेल से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर ईजिली आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो नोवेल है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है जिसको थॉमस हार्डी ने लिखा है, जो कि काफ़ी एक फेमस राइटर है। ये जो थॉमस हार्डी हैं, इनके पास जो एक कैरेक्टराइजेशन का जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक पावर इनके पास है। इन्होंने इस नोवेल में जो फीमेल कैरेक्टर से उसको काफ़ी ज़्यादा बेटर और बहुत ही फोर्सफुली यूज़ किया है देन द मेल। मेल की तुलना में इन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है और बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने इसमें फीमेल कैरेक्टर का यूज़ किया है। इस नोवेल में एलिजाबेथ जेन और लुसेटा, ये दो वुमेन कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी चक्कर लगाती है। मतलब ये नोवेल इन्हीं दो कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट इन दोनों का ही जो कैरेक्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें इन लोगों का ही, इन कैरेक्टर का ही ज़्यादा रोल ये लोग प्ले करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लुसेटा का कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से जो एलिजाबेथ जेन है उसका कैरेक्टर है। तो सबसे पहले जो है वो लुसेटा का कैरेक्टर देखते हैं। तो जो लुसेटा है वो एक वन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर है इस नोवेल की, बहुत ही फेमस। तो ये कौन रहती है? तो ये एक यंग वुमेन रहती है जो जर्सी से बिलोंग करती है, कोई जगह का नाम है वहाँ से ये रहती है। और इसका जो है वो थोड़ा सा जो ब्रीफ रिलेशनशिप है वो माइकल हैंजर्ट के साथ भी देखा जाता है। जब जो माइकल हैंजर्ट है वो बीमार पड़ जाता है एक बार, तो जो लुसेटा ही है वो उसकी देखभाल करती है और इसी टाइम के दौरान, उसके देखभाल करने के दौरान ही दोनों में प्यार हो जाता है। बट जब लुसेटा को हैंजर्ट के बारे में पता चलता है और उसके पास्ट के बारे में पता चलता है, तो जो अपना वो रिलेशनशिप है वो हैंजर्ट से तोड़ देती है और जो अपना इंटरेस्ट है वो फारफ्रे में दिखाने लगती है। इस ये एक दूसरा कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर इस नोवेल का। हालांकि एक तरफ जहां वो हैंजर्ड को, मतलब उसे दूर रहने की कोशिश करती है, उसे अबेंडेंड करती है, वहीं दूसरी ओर जो है लुसेटा, वो बहुत ही क्लीवर है, चलाक है और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरह की इंसान है। मतलब कि बहुत ही उसका माइंड शार्प चलता है। इवन आफ्टर वो अबेंडन कर देती है हैंजर्ट को, बट शी स्टिल हैज अ रिलेशनशिप विथ हिम। और वह इसके अलावे इससे बात से भी डरती है कि कहीं जो उसका लव अफेयर था हैंजर्ट के साथ, वो उसके बारे में सभी लोगों को पता ना चल पाए, इसीलिए पता ना चल जाए। इसीलिए वो क्या करती है, वो हैंजर्ट को लेटर भी लिखती है ताकि वो इस बारे में किसी को ना बताए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना क्लीवर और डिप्लोमेटिक इंसान है, जो एक तरफ तो हैंजर्ट से दूर रहती है बट वही दूसरी तरफ फारफ्रे से जो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है और वो हर प्रयास करती है ताकि जो उसका जो अच्छा नेचर है वही लोगों के साथ बना रहे, जबकि उसका जो बुरा नेचर है वो लोगों के सामने ना आए। वो इस बात को काफ़ी ध्यान में रखती है। वो इसके अलावे बहुत ही एक काइंड हार्टेड और सिंपैथेटिक वुमेन है, मतलब एक हमदर्दी जताने वाली, दया करने वाली और बहुत ही दयालु इंसान है। कैस्टर ब्रिज जो है जगह, उसमें वो है जो एलिजाबेथ जेन है उसको वो अपने घर लाती है और उसकी मदद करती है कि वो एक नए तरह से जो है उसका रिलेशनशिप वो हैंजर्ट के साथ बना सके, क्योंकि उसका फादर रहता है हैंजर्ट जेन एलिजाबेथ का, तो उसे एक नया रिलेशनशिप अपने पापा के साथ बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हालाँकि ये भी कोशिश करती है कि जो हैंजर्ट है जो उसको ब्लैकमेल करता है कि ये सारा सीक्रेट को खोल देगा, उसको भी वो ट्राई करती है कि वो हैंजर्ट से खुद को दूर रखे ताकि वो सीक्रेट जो है लोगों के सामने ना रखें। हालांकि जो हैंजर्ट है वो सच्चाई तो रिवील नहीं करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो जॉब है, एक अनदर कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, वो उसका लव अफेयर जो दोनों का है, हैंजर्ट का और लुसेटा का, वो सभी के सामने, जो गांव वालों हैं उन लोगों के सामने वो खोल देता है।
उसको जो है काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर शर्म महसूस होता है और गांव वालों के सामने भी उसे शर्म महसूस होता है। और एट लास्ट वो क्या करती है, धीरे 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 वो इमोशनल स्ट्रेन के कारण वो मर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो लुसेटा है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि एज अ कल्चर्ड क्लीवर यंग वुमेन जो हमेशा मोरल वैल्यू का जो है वो टेक केयर परवाह नहीं करती है, वो हालांकि बहुत ही इमोशनली है और वो एक विक्टोरियन एरा की एक वैसी विमेन है जो इमोशनली वो चेंजेबल कैरेक्टर रहती है। तो इस तरह से ये था लुसेटा का कैरेक्टर इन द नोवल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ जेन। तो जो एलिजाबेथ जेन है वो इस नोवल की एक लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है जिसका जो एक्शन है वो रीडर्स के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है। जो एलिजाबेथ जेन है वो सूजन एंड न्यूसन की डॉटर है। जो ये लोग दोनों कौन है, सूजन एंड न्यूसन? तो सूजन और न्यूसन इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लवेबल पर्सनालिटी है और प्लीजिंग पर्सनालिटी है। और ये दोनों कौन है, तो एलिजाबेथ जेन के मम्मी और पापा हैं। तो जो एलिजाबेथ जेन है वो बहुत ही एनेक्सियस वुमेन है जो हमेशा किसी चीज़ को देखने की, सुनने की, उसे समझने की एक इच्छा रखती है। और ये जो है एक वैसी वुमेन बन जाती है जिसको काफ़ी ज़्यादा वाइडर नॉलेज होता है और ये एक हाई रेपुटेटेड वुमेन रहती है। अकॉर्डिंग टू हर लाइफ Life is a tragedy and a few moment of joy which was a little part of our life. इसके अनुसार जो है life एक tragedy है। Tragedy means होता है कि tragic flow जिसका end जो है बहुत ही दुखद होता है। तो वैसा है life और life का कुछ ही moment ऐसा है जिसे हम लोग enjoy कर सकते हैं अपने life में। तो जिसको ये अपने life में हर एक moment को ये enjoy करती है। Sympathy is her foremost quality और इसके अंदर एक और quality है वो sympathy होने का, मतलब ये दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा sympathetic होती है, kind होती है और ये हमेशा जो है वो दूसरों के लिए खुद का जो पर्सनल कंफर्ट है उसको सेक्रीफाई करने के लिए हमेशा रेडी रहती है और अपने जो डिग्निटी है वो भी उसको भी सेक्रीफाई करने के लिए दूसरों के लिए या खुद की डिग्निटी को भी सेक्रीफाई करने के लिए रेडी रहती है। मतलब कि अपनी जो इसके अंदर का जो अच्छाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये अपनी परवाह ना करके सिर्फ दूसरों के लिए जो है अपना सारा खुशी, अपनी डिग्निटी, अपने पर्सनल कम्फर्ट को सेक्रीफाई कर देती है इस नॉवल में। से इज़ वेरी ओबीडियंट वुमेन, ये काफ़ी ज़्यादा एक आज्ञाकारी लड़की रहती है। जब जो है हैंचर्ड देखता है कि फारफ्रे जो है इसके लिए एक अजीब सा एक अट्रैक्शन दिखा रहा है तो ये जो है अपनी बेटी को यानी कि एलिजाबेथ जेन को उसे दूर रहने के लिए कहता है और वह एक्सेप्ट भी करती है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो हैंचर्ड है वो इसका फादर का रोल ही इस नॉवल में प्ले करता है। अगर आप लोगों ने ये नॉवल पढ़ा होगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज तो आप लोगों को पता होगा कि जो हैंचर्ड है वो अपनी वाइफ और अपनी एक छोटी बच्ची के साथ जो है एक फेयर में वो अलग हो जाते हैं, मतलब वो सोल्ड कर देता है अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। बट जब इसकी वाइफ जब सोल्ड हो जाती है तो जिसको सूजन जो रहता है उससे उसकी शादी होती है और ये जो बेटी के साथ गई हुई रहती है उसका डेथ हो जाता है और सूजन से ही एलिजाबेथ जेन होती है। बट इसको लगता है जब ये 20 ईयर्स के बाद वापस अपनी वाइफ से और अपनी डॉटर से मिलता है तो इसको लगता है कि ये इसकी बेटी है, बट एग्जैक्टली में वो सूजन और वो जो उसकी मम्मी है उसकी बेटी रहती है और ये हैंचर्ड की रियलिटी डॉटर नहीं रहती है, वो डेथ कर गई रहती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जब वही ये काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट रहती है, इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स को लेकर के हम्बल रहती है, हर एक बात को एक मानने वाली होती है। अगर हम इसके कैरेक्टर को थोरोली रीड करते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल गर्ल है। जो छल, कपट, डिप्लोमेटिक इन सारी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है, विलनेस से ये दूर रहती है और ये जो है लवर ऑफ सिंप्लिसिटी, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहना पसंद करती है। ये बिलीव करती है कि सिंपल लाइफ जीना चाहिए और हाई थिंकिंग करना चाहिए, ये इस तरह का बिलीफ को रखती है। यही एक ऐसी इस नोवेल में कैरेक्टर रहती है जो हर एक क्रूशियल सिचुएशन में जो है अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। मतलब इसके लाइफ में अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आते हैं तो वो उसको बैलेंस करके रखती है। जो एलिजाबेथ जेन है वो काफ़ी स्वीटेस्ट पर्सन है जो हैंचर्ड के साथ रहने के लिए भी आती है और अपने लाइफ को जो है जितने सारे भी जो उसके लाइफ में
जो सैड थिंग्स रहती हैं, रूडनेस रहती है, पास्ट चीज़ें रहती हैं, उन सबको भूल करके वो हिंचर्ड के साथ रहने के लिए आती है, मतलब जो उसका फादर रहता है, बट नॉट रियलिटी फादर वो रहता है, उसे रहने आती है और सारी चीज़ों को भूल जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा स्वीट पर्सन है, कितनी अच्छी इंसान है, कितना काइंड पर्सन है, कितनी ओबीडियंट वुमेन है, जो अपने फादर्स का हर एक जो है वो ऑर्डर को फॉलो करती है और अच्छे तरीके से अपने लाइफ को इंजॉय करना जानती है और सिंप्लिसिटी को वो फॉलो करती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एलिजाबेथ जेन है उसको हार्डी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके उसके कैरेक्टर को इस नोवेल में दिखाया है, और थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ जेन उन्होंने ट्रू सोशल कंडीशन को, कॉमन ह्यूमन फीलिंग्स को और रियलाइजेशन को जो है वो कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ जेन के द्वारा दिखाया है कि किस तरह से जो है वो सर्कमस्टांसेस रहने के बावजूद भी वो अपने लाइफ को हैंडल करती है। तो आई होप आप लोगों को जो ये कैरेक्टराइजेशन दोनों का फीमेल कैरेक्टर का समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस नॉवल से या फिर अदर नॉवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर अवेलेबल कराने के लिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।